राम राम गोरे भाजी। राम राम भाजी। भाजी क्या हाल चाल है? वधिया भाजी। तो भाजी मैं आज से 3 महीने पहले आपके पास आया था। हाँ जी हाँ जी। आज मैं फिर से अमृतसर आया तो मेरे पैर रुक नहीं पाए। मेरी मन की इतनी इच्छा हुई कि गोरे भाजी के पास नहीं जाऊंगा तो अमृतसर का टूर ही ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। मोस्ट वेलकम जी। और बताओ भाजी क्या हाल चाल? वधिया वधिया जी। भाजी क्या क्या मिलता है आपके पास? साढ़े को स्पेशल है कड़ा खंड का। कचौड़ी खत्म हो गई है, हूँ मट्ठी गई है। जिरी कचौड़ी गई है, कली यही रह गई है, पैकिंग चली बाहर। ठीक है जी। कचौड़ी खत्म हो गई हूँ। ऑर्डर आया भाजी? हाँ जी। ये देखो ये कचौड़ी है बाहर। कहाँ पर जा रही है भाजी? लुधियाने जा रही है कचौड़ी। हाँ जी। तो भाजी जैसे कोई भी आता है अमृतसर में कहते हैं कि गोरे भाजी के पास जाओ जाओ, क्या खास है आपके पास? बस है सब दा प्रेम प्यार। ठीक है भाजी। एक क्वालिटी है। ठीक है भाजी। यही दे रहे हैं गाहक। भाई कितने साल पुराना काम है आपका? सानू गए कोई 45 का साल हो गए। थानू 45-46 साल। 45 ईयर्स हो चुके हैं गोरे भाजी को। तो भाजी ये जो आपके बर्तन देख रहा हूँ मैं, ये काफी स्पेशल है। पित्तल दे बर्तन है ये। है जो हमारे दादा सारा जिरा नाश्ता का लोड़दा गा वे लोहरी कॉम्बो। हाँ जी। जी परातां हैं सारियां साढ़े दादा जी लाहौर तो लैके आए ही। ठीक है भाजी। हाँ जी। अब ये लो निशान भी लगा है। तो ये देखो यहाँ पर निशान उर्दू में लिखा हुआ है और एकदम बढ़िया पुरानी पराते हैं। तो भाजी ये मैं देख रहा हूँ ये आपने हलवे में क्या क्या डाला हुआ है? हलवे में चाहिए सूजी घ्यो तो ड्राई फ्रूट। ठीक है भाजी। हाँ जी। तो भाजी क्या क्या रेट है? स्पेशल मट्ठी। ये है स्पेशल मट्ठी जिसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा डिमांड है कि भाजी अभी 9 ही बजे खत्म हो गया सारा सामान। हाँ जी हाँ जी खत्म हो गया। कस्टमर डिमांड पूरी महाराज की कृपा भाजी। ठीक है भाजी। हाँ जी। भाजी टाइमिंग क्या है अपनी? टाइमिंग हैगी साड़ी सवेरे 6 बजे तो लैके तो 10:30 बजे तक। ठीक है भाजी। हमारे लिए भी भाजी लगाओगे हलवा? ये देखो एकदम बढ़िया देसी घी तैर रहा है हलवे में, नज़दीक से दिखाऊंगा। तो भाई ये चीनी का या गुड़ का है? ए चीनी का, हूँ महीने के तक हो जाएगा गुड़ का शुरू। ठीक है। ये आ गया अपना हलवा, ये चेक करो तो तैयार है भाई। ये आ गया देसी घी, चेक करो। तो भाई क्या प्राइस है इसका? मट्ठी तो वहीं के नाल दे दो भाई। लो जी ये आ गई अपनी मट्ठी, 20 का कड़ा, ये 20 की मट्ठी भाई। ये क्या आ गया? लौंजी है। ये लौंजी स्पेशल, ये है खट्टी मिठी लौंजी, चेक करो बढ़िया सी। तो चलो गाइस करते हैं गोरे भाजी का स्पेशल लाहौरी कॉम्बो ट्राई। सबसे पहले हमने ली है मट्ठी और खट्टी मिठी लौंजी आलू की, बढ़िया सी डिप करके अपनी बाइट बना के। जो मट्ठी है एकदम सॉफ्ट है, क्रिस्पी है, लौंजी का टेस्ट अल्टीमेट है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ देसी घी का सूजी का हलवा। इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने भाजी का हलवा देसी घी का एक बार खा लिया, जब भी आप अमृतसर आओगे ज़रूर दूसरी बार आओगे, क्योंकि आप रुक ही नहीं पाओगे। इतना टेस्ट लाजवाब कॉम्बो मिलता है यहाँ पर। तो गोरा भाजी सारी बातें आपसे हमने पूछ ली, आपका जायका हमें इतना पसंद आया है। अभी एड्रेस भी बता दो अपना। एड्रेस है गए मेरा नमक मंडी चौक नियर हनुमान मंदिर। नंबर फोन है गए मेरा 9803436480। आओ तो जरूर विजिट करो। ठीक है जी। थैंक यू भाजी। जो जो हमारी वीडियो देखते हैं पक्का आएंगे, क्योंकि ऐसा लाहौरी कॉम्बो दूर दूर नहीं मिलता, आपके पास ही मिलेगा। थैंक यू भाजी। ओके जी। राम राम जी। राम राम भाजी। ये आ चुकी है अपनी सेकंड लोकेशन। यहाँ पर भी मिलता है एकदम धमाकेदार वाला जायका, बढ़िया सा। ये देखो पूड़ियाँ बनी हुई है, कचौरियाँ। करते हैं अंकल जी से बात। अंकल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। अंकल जी आज हम आपके प्यारे से शहर अमृतसर में हैं। जी जी। आपकी शॉप की बहुत ज़्यादा ही तारीफ सुनी है। अच्छा जी। तो क्या खास मिलता है आपके पास? सुबह मिलता जी नाश्ते में पूड़ी और कचौड़ी। हाँ जी। और दोपहर को मिलता है 10 तरह का स्नैक्स। 10 तरह के स्नैक्स 12 बजे से लेकर 8 बजे तक। स्नैक्स में क्या क्या होता है अंकल जी? स्नैक में समोसा, सतपुड़ा, गुलाब जामुन, आलू रोल, स्प्रिंग रोल, पनीर,
हाँ जी, और कचौड़ी वगैरह। तो मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पर बढ़िया सी पूड़ियों को हाफ डन, पूड़ी और कचौड़ी मिलेगी जी, हाफ डन करके रखा जा रहा है। वो देखो बढ़िया से पेड़े लगे हुए हैं, दिखाते हैं आपको फुल कॉन्सेप्ट। यहाँ से आई पूड़ी अपनी हाफ डन हो रही है और वहाँ पर बेचने की तैयारी हो रही है, क्योंकि क्राउड कभी भी आ सकता है। तो अंकल जी, पूड़ियों के साथ क्या क्या मिलता है आपके पास? साथ वो तो चने और आलू। ये रहे बढ़िया से अमृतसरी स्टाइल छोले, ये देख रहे हो कलर। तो अंकल जी, अमृतसरी छोले तो हर जगह मिल जाते हैं, नाम तो कोई भी रख लेता है, पर असली चीज अमृतसर में ही मिलती है? अपने अपने बनाने का ढंग है। हाँ जी, ठीक है जी। ये रहा सैलड पड़ा हुआ है कचालू और प्याज का मिक्स। तो अंकल जी, हमारे लिए भी एक प्लेट लगाओ। आस्ता प्लेट लगा। देखो बढ़िया से पूड़ियों के साइज, बड़े से कढ़ाई में कितनी ज्यादा पूड़ियाँ निकल रही है, एकदम क्रिस्पीनेस, पूड़ियों के ढेर लग चुके हैं। ये देखो, ये देख रहे हो अंदर क्राउड, चेक करो शॉप पे कितना ज़्यादा क्राउड है। तो ये लग रही है अपनी प्लेट, बढ़िया सी यहाँ पर आ गए, बढ़िया सी अमृतसरी स्टाइल छोले, और ये आ गया कचालू और प्याज का मिक्स सैलेड। तो चलो गाइस, करते हैं 70 साल पुराना जायका ट्राई। हमें ये जो पूड़ी है इसका साइज एकदम फुल फुल है, इसके अंदर दाल की पीठी की फिलिंग है। ये आ गई अपनी बढ़िया सी बाइट छोलों के साथ, और जैसे सीजनल सैलड मिलता है यहाँ पर, अभी चल रहा है कचालू बाइट तैयार है अपनी बड़ी सी। लाइट वेट पूड़ी है, 35 रुपये में आपको अमृतसर में इतना बढ़िया नाश्ता मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।